मनिका पाल ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू जी, या आई मनिका मैम, आई थिंक आई हैव टू डेमो इट फॉर 10 मिनट्स मे बी एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस। राव मैम, ओके यस विजय सर, वी कैन टेक ओनली लास्ट टू क्वेश्चन एंड देन वी विल गो फॉर डेमो फर्स्ट एंड देन वी विल टेक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं है मैम, मुझे बस ये पूछना था कि क्या ये जो मैम H5 में जितने भी अभी हम लोग चीजें कर रहे हैं, जैसा मैम बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसको ये जैसे उस तरह का हम लोग का ऊपर जो व्यू करने के बाद हम लोग के शो नहीं कर रहे हैं, जो स्कोर ग्रीन और रेड में दिखा रहे हैं कितना सही है कितना गलत है, तो उसको फिर से एक बार अगर समय मिलेगा तो एक बार फिर से कैसे कैसे किसमें जाके क्या क्या टाइप करें थोड़ा सा दिखा दें। ठीक है सर। मेरा प्रश्न ये था कि क्या और क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर सकते हैं या सिंगल ही क्वेश्चन रहेगा बस इसमें? सर ये मैम अभी आपको बताएंगी, इस क्वेश्चन मैम ने एक्सप्लेन किया भी होगा और दोबारा वो बता देंगी, अभी थोड़ा सा आप केयरफुली अटेंड करिए, अभी मिल जाएगा उसका जवाब। ओके सर, या मैम ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन पार्ट एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन। यस मैम, last few things and please pay attention to this and you will have all the answers जो भी है चैट में क्वेश्चंस हैं, अभी सबका आंसर्स मिल जाएगा। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू, मार्क द वर्ड्स किसी ने पूछा है, हम ट्राई कर रहे हैं मार्क द वर्ड्स, और यहाँ पे मेटा डेटा है, क्लिक करेंगे टाइटल के बाजू में जो मेटा डेटा, वहां पे हम हमारा टाइटल देंगे और उसके बाद उसका लाइसेंस हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप कहीं बाहर से ले रहे हो तो उसका सोर्स भी दे दीजिए, ऑथर नेम या लाइसेंसी हो कोई भी हो उसका ऑथर डिटेल्स दे दीजिए। फॉर नाउ यू कैन ऑलवेज ऐड सम चेंज लॉग, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो सब थोड़ा आपको यूज करने के बाद वो सब समझ में आ जाएगा। पहले ये कीजिए, आप सेव मेटा डेटा कीजिए, और यहाँ टास्क डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि यूजर को छात्र को क्या करना है ये इसको लेके, तो वो आपको टाइप करना चाहिए। मैंने लिया है क्रिकेट के बारे में, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो वर्ड्स में 5 को आप क्रिकेट के बारे में है वो वर्ड्स को आप चुन लीजिए, वही था क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर जो होता है वो आपको एस्ट्रिक्स के बीच में देना चाहिए। पहले मैंने एक ही लाइन में सब दे दिया है, अभी मैं आपको डेमो कर रही हूँ, एक के बाद एक भी हम कर सकते हैं, ओके ऐसा भी कर सकते हैं, या एक ही लाइन में भी दे सकते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस का जरूरत हो फिर आप ये शो इंस्ट्रक्शंस का ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो होता है उसका हमने एस्ट्रिक्स के बीच में लगाए थे, और जो नीचे का ओवरऑल फीडबैक सेक्शन है यहाँ हमने स्कोर रेंज 0 to 90, यानी कि आप जितना भी स्कोर करो 90% तक, यानी कि 5 words में आप एक वर्ड भी चुन लिया तो ये गुड ट्राई देगा आंसर फीडबैक, और 91 से 100 कुछ भी हो एक्सीलेंट देता है, यानी कि 5 words में अगर 3 या 4 भी दे दिया है तो वो एक्सीलेंट दे देगा। और भी हम रेंजेस ऐड कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट इवनली भी कर सकते हैं अपने आप, और फीडबैक हमको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने शो स्कोर पॉइंट्स नहीं दिया है तो क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे व्यू में, अगर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो स्कोर नहीं दे रहा है, खाली करेक्ट या रॉन्ग बता रहा है। अगर आपने यहाँ पर बिहेवियरल सेटिंग में शो सॉल्यूशन और स्कोर पॉइंट्स भी दे दिए हैं तो आप देख लीजिए इधर, तो वो ऑप्शंस भी आ जाएंगे आपको। तो कभी भी आपने ऐसा वाला H5P1 बना दिया कंटेंट टाइप, तो आपको कैसा सेव करना है, ये फाइल से लेके सेव करने से आपको .h5p फाइल सेव होगा, बाद में फिर ये आप ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप आपके स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करना है तो कैसा शेयर करेंगे आप, एक्सपोर्ट फाइल से लेके एक्सपोर्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, पहला वाला ऑल इन वन HTML फाइल करके सेलेक्ट कीजिए, और नीचे रिपोर्टर एक रहता है वहां पे इंक्लूड रिपोर्टर होना चाहिए, क्योंकि हमने बात किया है
ये HTML फाइल जो होता है सभी के ब्राउजर्स में काम करेगा, तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स के साथ HTML फाइल शेयर करेंगे। और एक बात यहाँ है कि कभी आपने ये शेयर किया है स्टूडेंट्स के साथ तो कभी कभी कुछ ना कुछ एंड्रॉइड डिवाइसेस में ये काम कर रहा है और कुछ सफारी ब्राउजर में ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन डेस्कटॉप या लैपटॉप में जरूर ओपन हो रहा है। या और आपके स्कूल का ये कोई आपका साइट हो, वेबसाइट हो, वहां पर आप ये HTML फाइल वहां पर भी डाल सकते हैं। तो आपको आपके स्टूडेंट्स का कैसे आंसर किया है वो रिपोर्ट देखना है तो आप जरूर इंक्लूड रिपोर्टर को ऑन कीजिए, ऐसा ग्रीन में होना चाहिए। ऑल इन वन HTML फाइल को टिक कीजिए, फिर आप एक्सपोर्ट नाउ कीजिए। तो आपको कहाँ सेव होगा ये? मैंने डेस्कटॉप में H5P फाइल सेव किया है, इसीलिए ये भी मेरी डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। तो मैंने एक्सपोर्ट किया तो वो अभी वो एक्सपोर्ट हो रहा है, सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड करके दिखाया। अभी मैंने मैं शेयर करूंगी वो फाइल कैसा दिखेगा। या ये है H5P फाइल और ये है HTML फाइल, H5P फाइल और ये HTML फाइल। मैं डबल क्लिक करूंगी HTML फाइल को, वो ओपन होगा एक ब्राउजर में, मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है क्रोम, वहां पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं आंसर करूंगी और चेक करूंगी, अगर शो सॉल्यूशन दे दिया है मुझे पता है तो फिर मैं करेक्ट ऑप्शन दे दूंगी। जितने भी बार आप करो, करने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देना है आपके स्टूडेंट को, वो कैसे देना है वो भी मैंने एक फाइल किया है आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये डाउनलोड बटन यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ आएगा प्लीज एंटर योर नेम, ओके ये एक है तो मैंने डाउनलोड कर दिया। फिर दूसरा स्टूडेंट जो आंसर करेगा, ये दूसरा स्टूडेंट के पास है तो वो आंसर किया। और ये जो बटन्स जो है आपको पता है, ये रिट्राई और शो सॉल्यूशन अगर आपको एनेबल करने से ही ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिर दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसका नाम से डाउनलोड किया, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट को आप डाउनलोड कीजिए वो फाइल डॉट लूमी फाइल जो होता है, आपको फिर भेजना है वो स्टूडेंट्स। तो आपको भेजने से आप क्या करेंगे, लूमी में जाके यहाँ पे लूमी एनालिटिक्स जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और जो आपके जो भी लूमी फाइल्स है आपके स्टूडेंट्स ने भेजा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुआ है, ये जो फाइल्स है मैं डालूंगी एक नया फोल्डर में, ओके यहाँ पे मैं एक फोल्डर डालूंगी लूमी फाइल्स करके, उसमें मैं मेरा डॉट लूमी फाइल्स जो भी स्टूडेंट्स ने भेजा है उसमें डाल दिया। फिर यहां से मैं लूमी एनालिटिक्स आई यहाँ पर, यहाँ चूज फोल्डर विथ डॉट लूमी फाइल्स करूंगी, फिर यहां मैं सेलेक्ट करूंगी वो जो लूमी का जो फाइल्स है वो फोल्डर मैं सेलेक्ट करूंगी। तो मैं ओपन, तो क्या एवरेज क्या है, मार्क द वर्ड्स में ये रमा ने क्या किया, सुषमना ने क्या किया, ये बेसिक एनालिटिक्स आएंगे। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इन अ वेरी प्राइमरी स्टेज, इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दे आर स्टिल डूइंग इट एंड और थोड़ा अपडेट्स भी होते आएंगे इसके लिए। तो अगर आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है तो आप ऐसा H5P बना के एक्सपोर्ट, पहले आप सेव कीजिए। सेव करने से क्या होता है, ओपन एग्जिस्टिंग H5P बोलने से, मैंने सेव किया है मार्क द वर्ड्स सैम्पल H5P फाइल, सो उसको ओपन करके मैं फिर से एडिट कर सकती हूँ। और अगर आपको स्टूडेंट्स को भेजना है तो आप फाइल एक्सपोर्ट कीजिए, वो एक्सपोर्टेड फाइल जो है वो आप भेज दीजिए। चलिए ये मार्क द वर्ड्स के बारे में हमने देखा है, अगर नया कुछ फाइल कुछ बनाना चाहते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक है या कोई ड्रैग एंड ड्रॉप है या ऐसा वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक क्विज जैसा बनाना चाहते हैं आप, तो आप ये कंटेंट टाइप क्विज ले सकते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि मैंने दीक्षा पोर्टल से लेके ये बुक जो बनाया है, मैं कैटलॉग में भी पब्लिश कर रही हूँ, OER हब में भी पब्लिश किया है, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। दीक्षा पोर्टल में मैंने एक देखा है राइमिंग का, फिफ्थ क्लास का इंग्लिश का वर्ड्स है, तो मैं सोची थी कि उसके बारे में मैं करूं, लेकिन मैंने सोचा एक जनरल बुक पहले बनाऊं। तो ये कोर्स प्रेजेंटेशन है, मैंने ये सब बटन्स दिया हुआ है इधर, और ये बनाया था। यहाँ पे मैं ऑडियो भी डालने वाली हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसे आएगा। इस तरफ जो है कॉन्टेंट प्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ये मार्क द वर्ड्स का एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो एंड में मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेयर यू कैन क्रिएट बोथ कॉन्टेंट एंड टास्क। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो समरी जो होता है, ये कितने सारे अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, शो सोल्यूशन बोलते सब सोल्यूशन दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दीक्षा पोर्टल में अगर कोई एक कंटेंट है तो आप बनाना चाहते हैं कुछ इंग्लिश ले लेंगे या कुछ बुक ले लेंगे, मैरीगोल्ड का, या कोई बुक का स्टोरी बनाना चाहते हैं आप, तो आप कोर्स प्रेजेंटेशन ले सकते हैं और उसमें आप बना सकते हैं। जैसे आई विल शो यू एन एग्जांपल हियर। मैंने शुरू किया है वो इंग्लिश के बारे में, एक क्रॉसवर्ड है, मैं एक पहले एक मुझे वो एक दिखाना था, तो ओके यहाँ पे आपने राइट्स ऑफ यूज देखा है, तो ये दीक्षा से मैंने लिया है, तो इसलिए मैंने सब कॉपीराइट दे दिया है। वो जो हम मेटा डेटा देते हैं, कोई भी हम इमेज ऐड करते हैं तो वहां उसका भी हम मेटा डेटा देना चाहिए, तब ऐसा राइट्स ऑफ यूज दिखाई देगा। तो ये बुक से लेके मैंने एक इंटरैक्टिव बुक कंटेंट टाइप बनाया, ऑडियो भी ऐड किया। तो मुझे और एक बात बोलना है आपसे, जैसे ये सब बनाने से, इंटरैक्टिव बुक या कोई कोर्स प्रेजेंटेशन हो, जो भी बनाना है, पहले आपको प्रैक्टिस करना है छोटे छोटे कंटेंट टाइप्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, जो आप बनाएंगे ऐसे क्विज हो या ड्रैग एंड ड्रॉप हो या इमेज हॉटस्पॉट हो, कुछ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ कोर्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप ये मार्क द वर्ड्स, ड्रैग द वर्ड्स या ड्रैग एंड ड्रॉप, ट्रू और फॉल्स, ऐसे वाले कंटेंट टाइप्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू यूज। मोस्ट ऑफ यू विल हैव सम OER वीडियो दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू एड वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो, यानी कि अगर वीडियो में, अगर बीच में आप कोई भी इंटरैक्शन देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप इंटरैक्टिव वीडियो ले लेंगे। आपको पता है यहाँ पे टाइटल क्या सा देना है, मेटा डेटा क्या देना है, और यहाँ पे एक टूर बटन है, वहां से क्लिक करने में आपको क्या करना है, अच्छा से टूर बताई देगा, एक ट्यूटोरियल भी है, एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है एड वीडियो, नेवर अपलोड अ वीडियो फ्रॉम योर डिवाइस, बिकॉज वॉट हैपन्स इज ये फाइल का साइज जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके स्टूडेंट जो एक्सेस करने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए आप यूज कीजिए विमियो का या विमियो प्रो का या यूट्यूब का लिंक जो है वो यूज कीजिए। ठीक है, ये और एक यूज है यहाँ पे, आप एक ही वीडियो फाइल का दो, एक फॉर्मेट वेबएम में दे सकते हैं, दूसरा फॉर्मेट भी दे सकते हैं, वो इसीलिए कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वीडियो का URL देंगे हम, आई शो यू अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड देन आई टेक द क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट
content type that many of you would like to use. Whenever you would like to use share any video, always take a share from here. Okay. Don't take directly from the browser button. Okay. Take a share and insert. Wo video yahan pe insert ho gaya hai. Uska copyright kaise dete hain hum? Metadata jo rehta hai. Ye metadata jo hai pura H5P ke liye, activity ke liye. Yahan pe jo copyright hai, जो अभी अभी मैंने दिखाया, जो भी मैंने ऐड किया वहां पे इमेजेस हो, जो भी हो, उसका अलग से कॉपीराइट डिटेल्स हमको देना पड़ता है. टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, सोर्स कहाँ से लिए हैं आप, कौन सा लाइसेंस है. आपको पता होगा यूट्यूब में अगर आपको कुछ ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ओपन पेडागोजी के बारे में कुछ ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ वीडियो ढूंढेंगे. यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड फिल्टर्स करके, यहाँ क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट कीजिए, तब कोई भी वीडियो आएगा. डोंट फॉरगेट टू सी उसका शो मोर में यहाँ पे लाइसेंस लिखा है नहीं. कभी कभी यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, तो तब आपको ये ऑथर को क्लिक करके अबाउट में देखना चाहिए अगर वो नहीं दिया हो. फिर भी YouTube में जो भी डालते हैं वो क्लियरली ओपन लाइसेंस नहीं होता है कभी कभी. ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप है YouTube में इंटरैक्टिव वीडियो में एड इंटरैक्शंस. यहाँ पे जो है फिर से यहाँ टूर आएगा, बता देगा हमको क्या क्या करना है. यहाँ पे ये सीक बार है, जहां भी आपको इंटरैक्शन ऐड करना है ये यहाँ सीक कीजिए. फिर यहाँ से आप कॉन्टेंट टाइप्स हैं, पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अलग से वो कैसे ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम, तब आप यहाँ दे सकते हैं. ये जो बिहेवियरल सेटिंग्स जो होते हैं ये एंटायर वीडियो के लिए. अगर आप यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ट्रू और फॉल्स ऐड कर रही हूँ, मुझे वीडियो पॉज करना है, वो पोस्टर जैसा डिस्प्ले होना है. ये सैंपल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है. Lumi is source tool. Okay, ये true है. Behavioral setting ये देखिए, ये true और false के लिए behavioral setting है. मुझे यहाँ retry नहीं चाहिए, show solution भी नहीं चाहिए, feedback on wrong answer, feedback on correct answer अब दे सकते हैं अगर चाहिए तो. और नीचे जो गए तो एडेप्टिविटी करके एक रहता है, ये स्पेशली इंटरैक्टिव वीडियो में रहता है. अगर उसने अच्छा करेक्ट आंसर दे दिया तो कुछ बात नहीं, कंटिन्यू दूसरा वीडियो के नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं. अगर गलत आंसर दिया, मुझे उसको बोलना है कि आप फिर से वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो जहां मिनट्स और सेकेंड्स आप यहाँ पे दे सकते हैं वहां जाके फिर आना है. यहाँ पे रिक्वायर फुल स्कोर को टिक कीजिए, फिर डन कीजिए. यहाँ जो आपके जो एक्टिविटी जो है उसको पोस्टर जैसा दिखाना है बोले ना हम, तो इसलिए इसको आप एडजस्ट कीजिए. और फिर यहाँ देखेंगे हम, व्यू करेंगे ये कैसा दिखाई देगा. देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है यहाँ पे एक मार्क लगाया हुआ है, अगर मैंने रॉन्ग किया तो ये कंटिन्यू बोलता है, फिर वापस स्टार्ट में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ये बिहेवियरल सेटिंग में प्रिवेंट स्किपिंग फॉरवर्ड इन अ वीडियो बोले तो वो मैं आगे नहीं जा सकती हूँ वीडियो में. यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ सीक बार नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन कभी भी मत लीजिए अनलेस अदरवाइज इट इज रियली नेसेसरी, क्योंकि ये एक्सेसिबल फीचर नहीं है. और एक बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H5P के एक्सेसिबिलिटी के बारे में, वो कौन सा कंटेंट एक्सेसिबल है कौन सा नहीं है आप कहाँ देख सकते हैं. यहाँ एक पेज है, आप जाके उसके बारे में आप देखिए कौन सा कंटेंट टाइप क्या है, यहाँ पे एक्सेसिबल है नहीं है, ब्राउजर सपोर्ट क्या है, ये सब लिखा हुआ है. तो आप ये देख के ग्रीन में जो है बेटर वो भी यूज करने का है. एक फ्री कोर्स जैसा मैंने बोला बनाया गया है H5P के बारे में, वहां पे खाली एक्सेसिबल कंटेंट टाइप्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है. और जो ग्रुप मैं बोल रही हूँ H5Pians का, वहां पे यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं.
और HYP के बारे में लिंक्स या हेल्प फाइल्स और न्यू कोर्सेज फ्री कोर्सेज वी विल बी अनाउंसिंग इट देयर. दिस इज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड शेयरिंग विथ योर यूजर एज अ HTML फाइल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ साइट समवेयर, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ LMS और यू आर इन अ WordPress और इन अ Drupal, फॉर एग्जाम्पल. लेट मी जस्ट वंस शो यू एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस. ओके, कैन वी गो लिटिल स्लोअर. यहाँ पर जो आप एडिटर जो रहता है आपका, यहाँ जो आपका एडिटर या कोई व्हाट यू कॉल कंटेंट आप जो बनाते हैं, एक्चुअली वो जब बनाने के बाद आप जब बनाने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, वो OER हब जैसे जिसमें से आप कैसे ले सकते हैं, वो एक मैं बताना चाहती हूँ. ये जो कोर्स है LMS में कभी भी आप बना सकते हैं कोई भी HYP कंटेंट टाइप्स. यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी आप कुछ क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के समय वो पूछेगा अगर आपको कुछ कंटेंट OER हब से चाहिए क्या, तो आप OER हब से भी कुछ कंटेंट ले सकते हैं और कॉपीराइट को रेस्पेक्ट करते हुए आप नया कंटेंट यहाँ पर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको नया कंटेंट ऐड करना हो, OER हब से ऐड करना हो फॉर एग्जांपल, तो मैं ले लूंगी HYP कंटेंट टाइप. ओके, यहां से देखिए गेट शेयरेबल कंटेंट, गेट शेयर्ड कंटेंट करके हैं. आप कौन सा डिसिप्लिन में, लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल मेरा तेलुगु में थोड़ा बहुत रहता है, हिंदी में भी रहता है, और मैं यहाँ जाके तेलुगु का सेलेक्ट करूँ या कोई कंप्यूटर साइंस का तेलुगु का सेलेक्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पर तेलुगु वाला दिखाई देगा, जो भी कंटेंट है तेलुगु वाला दिखाई देगा. तो मैं ये यूज कर सकती हूँ. या लाइसेंस कैन बी मॉडिफाइड और अलाउड फॉर कमर्शियल यूज, देन यू कैन चोज देम एंड देन यू कैन टेक इट एंड यूज देम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ HYP OER हब. देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टेंट टाइप्स ऑलरेडी अवेलेबल, पीपल आर क्रिएटिंग एंड फ्रॉम इंडिया. दिस इज द इनिशिएटिव दैट आई एम डूइंग फॉर HYP कैटलॉग. ओके, सो दिस इज अबाउट my presentation. Now the floor is open, and if you want to create more number of questions, use quiz set. If you want to present and also create content, take interactive content or a course presentation or a column. But unless otherwise you practice small things first, you cannot do bigger ones. So please practice smaller ones like mark the words or a drag and drop. Somebody asked about drag and drop also. I will explain it, but before that I want to take some questions if there are any. Madam, बहुत ही शानदार, excellent, अब तक का मैं कहूँगा सबसे अच्छा यदि ये software था तो कोई इसमें दो राय नहीं. बहुत शानदार madam. Okay, ठीक है, thank you sir. लेकिन doubts कुछ हैं? हाँ, मैं आई विल, आप लोग केवल हैंड रेस करेंगे, डायरेक्टली अनम्यूट मत करिए. एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी वंडरफुल सेशन, सो प्लीज कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली. वी अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा लग रहा है, आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. वो भी हमारे लिए अच्छा है, बट स्टिल आई वॉन्ट, कल इस चीज में बहुत लंबा टाइम चला गया कि अप्रिसिएशन लेने में, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम आउट ऑफ सेशन जाएं, इसीलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ है तो आप वो पूछिए. करेक्ट, एग्जैक्टली मैम. विजय कुमार जी यूपी से, आप अपना क्वेश्चन अभी के लिए पूछ सकते हैं. यस सर. ओके, विजय कुमार, विजय गुप्ता जी पंजाब से, आप पूछिए. हाँ जी, जय हिंद जी सर. एक्चुअली मैंने काफी काम किया है H5 की ऊपर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे हम हॉटस्पॉट वगैरह यूज करते हैं पिक्चर के ऊपर, मैनी हॉटस्पॉट, लेकिन जब वो बच्चा मोबाइल पे चेक करता है तो वो बिल्कुल पास पास में आ जाता है और कंफ्यूजन है तो होती है बच्चे के लिए. इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं?
नंबर दो, जो एक टेक्स्ट का भी प्रॉब्लम रहता है जी, कि टेक्स्ट को हम कैसे बड़ा करें ताकि जो बच्चा मोबाइल पे आसानी से देख पाए। आप कौन सा प्लेटफॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? मैंने उसको जी अपने hfiv.org पे बना करके और उसको जो है एम्बेड किया है गूगल साइट के ऊपर। या एक्चुअली एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एचवाईपी सपोर्टर आई डोंट रिकमेंड दिस सर, बिकॉज दे क्लियरली स्टेटेड वहां पे यूज नहीं करना है, वो खाली टेस्टिंग के लिए। और दूसरी बात, मोबाइल में यूज करने के लिए आपको पहला मैंने बोला कि हमको देखना है व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, तो हमको पहला देखना है कि कौन सा साइज का हम ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज कर रहे हैं। एंड टेक्स्ट साइज कभी कभी क्या होता है, आपके ये जो टेक्स्ट एडिटर है ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है और बेस्ड ऑन HTML, अगर आपके पावर पॉइंट में या वर्ड में आप टाइप करके यहाँ ले आएंगे तो वो जो साइज है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं वो टाइप में नॉर्मल या हेडिंग वन हेडिंग टू का रहता है वो ले लीजिए, वो हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू यूज अ ड्रैग एंड ड्रॉप एस्पेशली इन मोबाइल्स फॉर स्मॉलर किड्स, यू हैव टू टेस्ट इट इन 3-4 डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ इमेज साइज। एंड देन वो इमेज भी आप बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय बैकग्राउंड को इमेज ले रहे हैं या एडिंग वो टास्क में जो एड करते हैं हम ड्रैगेबल आइटम्स तब एड कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। थैंक यू सर। विकास सक्सेना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। रविशंकर तिवारी ठीक है, मैंने वो लिंक भेजा है सर, आप देख लीजिए। अगर वो मैं एक फॉर्म भी भेजूंगी उसमें आपको दिखाई देगा, आपको मैं ऐड करूंगी बाद में पोस्ट सेशन। एक असाइनमेंट का फॉर्म भी रहता है उसमें रहेगा, डोंट वरी। सेकेंड थिंग मैम, यस मैम, जो हम बच्चों के रिस्पॉन्स हम HTML फाइल उन्हें भेजेंगे बच्चों के रिस्पॉन्स के लिए, तो वो क्या ऑफलाइन तो कर नहीं पाएंगे? जब वो ऑनलाइन होंगे डेटा पे काम करेंगे तभी शायद उसे ऑफलाइन में यूज होगा सर, ऑफलाइन में यूज होगा ना, आपका ऑफलाइन फाइल ही तो आप भेज रहे हैं। मैं ऑफलाइन ही भेज रहा हूँ। तो इनके इनके रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करना आपसे मैं दोबारा चाहूंगा, मैं एक बार समझ नहीं पाया इसे कि डाउनलोड कैसे करेंगे। तो कोई भी आप लूमी फाइल को यूज कर रहे हैं तो मैं एक बार मैं जैसे कि अभी अभी आपने ओके आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन, लेट मी शेयर। मैम बिफोर यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर आंसर, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल अदर पार्टिसिपेंट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू इट, बिकॉज इन चैट बॉक्स आल्सो आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन that we are not able to check the performance part, how to do it. So yes. Whoever it, Ruchika ma'am from Haryana, please be attentive, and rest all also, please be attentive how to check the performance or how to see the analysis. Please check, now be careful about it. Yes, ma'am. Thank you for that, ma'am. And yeah, this is the file, HTML file, जो जो भेजा गया है स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पे आंसर करेगा, जो भी करेगा वो इंटरेक्शन जो भी है इंटरेक्शन करेगा। और यहाँ पे राइट साइड जो है, राइट साइड जो दिया है वो एक बटन डाउनलोड बटन है, अगर आप देख सकते हैं तो वहां पे क्लिक करेगा और उसका नाम देते हैं तो ये डाउनलोड होगा, डॉट लूमी फाइल उसके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। वो डॉट लूमी फाइल को वो फिर से आपको भेजना पड़ेगा, वो स्टूडेंट आपको भेजेगा डॉट लूमी फाइल, वो जो फाइल भेजेंगे। मैं इंटरप्ट, ये जो आपने डाउनलोड किया है स्टूडेंट से रिस्पांस जो हमें मिला है वो वाली फाइल है ना? हाँ। नहीं लिसन, जो हम भेज रहे हैं ऑफलाइन क्रिएट किए हैं एक HTML फाइल, तो हम भेज रहे हैं ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट को, तो वो ओपन करेगा अपने ब्राउजर में, देखेगा, इंटरैक्ट होगा,
ये फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एक स्टूडेंट नाम रमा, तो मैं अटेंड किया है, अटेम्प्ट किया है ये सब, फिर मैं क्या करूंगी, मेरे सिस्टम में मैं एक डाउनलोड करूंगी रमा नाम से, ये फाइल जो डाउनलोड किया है इसको मैं मेरी टीचर को भेजूंगी। फिर से आपके स्टूडेंट आपको वो जो इंटरैक्ट किया है वो फाइल आपको भेजना पड़ेगा। डोंट वरी, योर स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू ओपन दिस फाइल। ओके, वो टेक्स्ट फाइल जैसा रहेगा, वो फाइल जो डाउनलोड होगा उसके सिस्टम में वो हमको भेजेगा, तो हम उसको हम एक सब फाइल्स को एक फोल्डर में डालेंगे। फिर हम वो फोल्डर को लूमी एनालिटिक्स में ओपन करेंगे। ये बात समझ में आ गया ना सर? वो स्टूडेंट आपको भेजेगा डॉट लूमी फाइल डाउनलोड करके। एक ऑप्शन में मैं, एनी अदर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस मैम, रविशंकर तिवारी जी प्लीज नाउ आस्क योर क्वेश्चन। हियर इज द हेल्प फाइल आई एम शेयरिंग ऑन द चैट फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। रविशंकर तिवारी जी, इफ यू आर हियर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट मेंबर। निधि अजय निधि अजय जी राजस्थान से प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। निधि अजय पचीसिया मैम, म्यूट आपने नहीं किया। ओके जी मैम, आप पूछिए। मे आई कंटिन्यू या रविशंकर इज गोइंग टू आस्क? मैम आप पूछिए फिर रविशंकर जी को, उसके बाद ले लेते हैं। आपने अनम्यूट नहीं किया, कोई बात नहीं सर, अभी ले लेते हैं। ओके सो मैम, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क दैट जो लास्ट वाले पोर्शन में आपने थोड़ा बताया, दैट वॉज ऑफ टू मच फास्ट फॉरवर्ड फॉर अस, तो दीक्षा पोर्टल पे किस प्रकार से जाना था और किस तरह से करना था, तो थोड़ा सा एक बार उसको रिकैप करवा देते तो एटलीस्ट वी शुड हैव अ हेल्प, बिकॉज़ हम लोग दीक्षा पोर्टल पे काम भी कर रहे हैं और हमें इसके लिए हेल्प भी मिलेगी। हाँ निधि जी, जो दीक्षा में काम करते हैं वहां पे HVAPI का एनवायरमेंट है मैं देखा नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रही थी, अगर मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आप सब लोग दीक्षा में भी काम कर रहे हैं, आपका कंटेंट भी उधर है, वो भी CC BY लाइसेंस के साथ है, तो वो कंटेंट आप यूज करके क्रिएटिवली उसको, जैसा पैसिव लर्निंग जो होता है उधर खाली टेक्स्ट और इमेजेस का, उसको आप इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं, वो मैंने बस ऐसा दिखाया कि मैंने इंटरैक्टिव बुक यूज किया है और दीक्षा पोर्टल में जो भी मटेरियल है मैंने लिया है, वो इमेजेस जो है स्क्रीन कैप्चर के जरिए लिया है और टेक्स्ट मैंने इधर ही टाइप किया है, पूरा इंटरैक्टिविटी ऐड किया है। okay, फिर so you have, मतलब you have created on HYP, taking the examples and taking the material from there. Now I got it, ma'am. Yes. Yes, ma'am. But ma'am, it's very difficult for HYP for us. We are not, when I'm saving it, it's going to the file on that. And then after opening that file, when we want to open the file, then the file open hote time pe bhi thodi problem ho rahi hai. No worries, ma'am. यहाँ पे अगर लूमी में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे छोटा छोटा, वो जब आप दीक्षा में भी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोनिका जी प्लीज करेक्ट मी, ऑलरेडी देर माइट बी सम ऑप्शन फॉर यू टू क्रिएट इंटरैक्टिव कॉन्टेंट, मे बी इन फ्यूचर इफ नॉट नाउ, एंड डेफिनेटली एडिटर विल बी समथिंग लाइक दिस, डोंट वरी। बट वहां पे एक ही डिफरेंस होगा जो मैंने दिखाया आपको, कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे ये डाउनलोड शेयर बटन्स जो है वहां आएंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू, वो एक जो डिफरेंस रहता है वो मुझे दिखाना है आपको। ये डिस्प्ले ऑप्शंस करके और एक मेथड होगा वहां पे, अलाउ एम्बेड, अलाउ डाउनलोड, ये कॉपीराइट बटन, ये सब हमको टिक करना पड़ता है। सो आपको वो रीयूज का बटन दिखाई देगा। दैट इज द ओनली फर्क है लूमी से और वहां से। Okay, ma'am. So we'll explore in that and then we'll get the point. Yes, you Thanks have a to lot. Practice. Yes. Thank you very much. Thank you, Monica. Ravi Shankar ji, ab aap poochiye. Ma'am, mera ek question tha, ye hosting ko lekar, ki isko jo h5p.org mein hum log host karenge, तो वो चीज थोड़ा क्लियर नहीं थी। और एक जो सर ये पूछ बता रहे थे कि जो मोबाइल में इधर उधर खिसक जाता है,
तो मैंने अभी एक कंटेंट बना के मोबाइल में डाला तो उस वक्त खिसक नहीं रहा है। डेस्कटॉप साइट अगर सर चले जाएंगे वहां पर मोबाइल पर तो वो नहीं खिसकेगा, बिना डेस्कटॉप साइट में वो कोनों में भाग जा रहा है। तो सर के लिए एक रिकमेंडेशन है, बच्चों से अपना कह सकते हैं कि वो डेस्कटॉप साइट पर इसको ओपन कर ले, मोबाइल में ही ऑप्शन आता है गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट का। और मैम ये होस्टिंग का थोड़ा सा बता दीजिए, ये .org में h5p.org में हम मतलब जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन होस्ट करना चाहें तो उसके लिए कैसे क्या है, या कोई हमारे पास ऐसा सर्वर हो SCRT या कहीं का जहां पर हम डायरेक्ट इसको होस्ट कर सकें? हाँ जी रवि जी, hyp.org जो है खाली ट्रायल पर्पस के लिए है, वो वहां से आप कहीं यूज नहीं कीजिए रियल टाइम के लिए। और दूसरी बात ये है, अगर आपको होस्ट अपने आप होस्ट करना है तो आपका वर्डप्रेस या ड्रुपल साइट होना चाहिए या कोई LMS होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको दीक्षा में या कहीं को ना NCERT का CIET का कुछ पोर्टल तो होगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, वी लॉन्च्ड, इट इज कॉल्ड H5P कैटलॉग। वो मेरी आइडिया थी कि टीचर्स को अगर जेन्युइनली रिपर्पस OER रिपर्पस करना है और प्रेजेंट करना है तो आप HYP कैटलॉग में रजिस्टर करके पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन और एक बात है, यहाँ पे हमने रिजल्ट्स स्टोर करने के लिए कोई हमने नहीं किया है, वी डिडंट प्रिपेयर फॉर दैट। बट देन अगर रिजल्ट्स आप स्टोर करना चाहते हैं, अगर आपके लिए कुछ ऐसा साइट होना है तो आपको आपका ओन का कुछ ड्रुपल का या वर्डप्रेस का साइट होना चाहिए, तब आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। नहीं तो आप खाली एम्बेड कर सकते हैं या कोई HYP कैटलॉग से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपके लिए या कोई उनसे बात करके कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए उसको करने के लिए। एज ऑफ नाउ HYP कैटलॉग इज फ्री फॉर ऑल टीचर्स हु वांट्स टू पब्लिश OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इट्स वेरी क्लियर। थैंक यू मैम। वेलकम सर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम द चैट फर्स्ट। मनीष वर्मा फ्रॉम यूपी, ही हैज आस्क्ड अबाउट SCOM, व्हाट इज SCOM? रुचिका मैडम आल्सो आस्किंग, and yeah. He Manish Verma is saying SCOM option is not working, what parameters are needed in SCOM? Yeah, shareable content object reference model bolte hain SCOM yani. Before days we used, even now many people use, whenever we use any authoring tool we publish content as a SCOM package, we call it. Okay, it's like a exe package jo hota hai waisa SCOM package bolte hain hum. ये इसका इम्पोर्टेंस जो होता है SCOM पैकेज में, रिपोर्टिंग जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि उसने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट ने कहाँ छोड़ा है और कहाँ से शुरू करना है, वो भी हम मार्क कर सकते हैं SCOM में। ओके, बट नॉट हियर इन द लूम, बट इन विथ एनी अदर लूमी, विथ एनी अदर सॉफ्टवेयर आई एम टेलिंग यू, द SCOM वी यूज, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग ऑप्शन आर देर, वेयर वी कॉल इट वेरियस अदर नेम्स लाइक TinCAN और API, वेरियस एप्लीकेशन इंटरफेसिस वी हैव टू पब्लिश। Using a SCOM, you can publish your content in a SCOM supporting query management system or SCOM supporting website only. But as an independent SCOM, you want to make it available to your student, it will be difficult for them also to open, and not only that, it will be a huge package. तो मिलते आगे का एक ये SCOM का पैरामीटर्स ऐसा कुछ नहीं है, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू स्विच ऑन दैट रिपोर्टर आल्सो। या बट आई डोंट रियली रिकमेंड यूजिंग SCOM एनीमोर एक्चुअली, अनलेस अदरवाइज इट इज रियली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन। मनोज जी क्या कर रहे हैं आप, प्लीज बार बार अनम्यूट मत करिए अपने आप को। मनोज कुमार जी यूपी से, यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबडी हियर। समीमुद्दीन जी अब आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम।
यस यस बोलिए। हाँ मैडम, मेरा एसवाईपी ओआरजी पे अकाउंट था, उस पर मैंने कई सारे कंटेंट तैयार किए थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपने बताया कि लूमी पर करना है, मैंने लूमी इसको गेटन भी कर लिया, सारा काम कर लिया, और जेन्युइन विंडो है मेरी, अभी सेट खरीदा है, लेकिन जैसे ही मैं उस पर काम करता हूँ तो 2 या 3 सेकंड के बाद वो डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद फिर उसको दोबारा आता हूँ फिर डाउन हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लूमी के बारे में बोल रहे हैं आप? जी 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 जी। आपका सिस्टम में मेमोरी कम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कम होगा शायद? नहीं मैडम, काफी मेमोरी है वो, और ऐसा नहीं है एसएसडी की मेमोरी है तो काफी फास्ट मेमोरी है, और बिल्कुल नया सिस्टम है जो। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विंडोज एप्लीकेशन है, ओएस है या मैक है? विंडो है मैडम, जो है विंडो 11 है। विंडोज 11 है, ओरिजिनल है? जी जी। ओके, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी है? जी जी। हाँ, तो आपने exe से इंस्टॉल किया या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से लिया? स्टोर से लिया मैडम जी। ओके, स्टोर से लिया है। आप एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है। क्या एंटीवायरस है आपके? हाँ, एंटीवायरस है मैडम। कभी कभी ये ब्लॉक कर सकता है, और जब इंस्टॉल करते समय वो पूछा होगा आपसे कि इसको अलाउ करना है, शायद आपने नहीं देखा होगा, डिफॉल्ट ऑप्शंस रख दिए होंगे, वो एक बार चेक कीजिए। जी जी, मोस्टली मेमोरी का प्रॉब्लम होगा, वो रैम का प्रॉब्लम होगा। रैम 8GB रैम है मैडम उसमें जो। हाँ, और कौन सा एप्लीकेशन है वो 8GB हो सकता है, लेकिन आप 16GB यूज करने वाले एप्लीकेशन पीछे रन कर रहे हैं तो इसका कम होगा ना। जी जी, थैंक यू थैंक यू। पूरा एनसीआर ओके नेक्स्ट। शीनम, शीनम जी आप अपना सवाल पूछिए। जम्मू कश्मीर से शीनम अबराक जी, डॉक्टर उर्वशी फ्रॉम दिल्ली, यू कैन आस्क। नमस्कार मैम। यस मैंने वो तो अभी अभी जैसे मार्क द वर्ड का आपने बताया, मैंने वो सारा किया, उसके बाद सेव एज करके मैं डेस्कटॉप पे सेव किया एज ए HTML। तो वो जो आप बोल रहे थे कि किसी और फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, वो तो नहीं आ रहा है उसमें? कौन सा फाइल फॉर्मेट? मतलब मैंने तो सिंपल HTML में सेव किया है उसको। हाँ, हाँ। शायद आपने उसको बोला है ना कि लियोनी में आएगा वो, बच्चों के पास जाएगा, जैसे आप बता रहे थे किसी और फाइल फॉर्मेट में बता रहे हैं ना आप उसको। वो एक HTML फाइल जो आपने बनाया वो आपने बच्चों को भेजेंगे। हाँ जी। बच्चे वो अटेम्प्ट करके वो अपना डाउनलोड करके वो फाइल आपको भेजेंगे। ओके ओके, डॉट लूमी फाइल होगा वो, और okay. उसको आप एनालिटिक्स में ओपन करेंगे। ओके okay. तो वो वैसे HTML फॉर्मेट में ही सेव हो रहा है? हाँ, HTML फॉर्मेट okay. में से, वो फाइल जो आपको बच्चे भेजेंगे वो डॉट लूमी में होगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू सेव इट एज, सेव एज H5P फाइल, जैसे फाइल सेव कीजिए, क्योंकि आपको फिर से एडिट करना है तो वो चाहिए। अच्छा, बच्चों के पास से आएगा फिर अगेन सेव करना है? नहीं नहीं, पहले ही आप सेव कीजिए। पहले सेव किया? हाँ, पहले सेव किया मैंने, सेव करने के वो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया एज HTML, उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाके देन तब भेजना है, अदरवाइज तो सेव ही नहीं होगा ना। सेव होगा लेकिन H5P फाइल होगा वो। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, शीनम जी बोलिए आप। जी मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली मुझे, इसलिए। अच्छा। सर मैम, मैंने पूछना है कि हाउ वी कैन टेक कंटेंट फ्रॉम OER, आपने बात करी थी ना ये OER का, कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग कोई ना कोई तो पूछेंगे। आई विल शो यू राइट अवे मैम। ओके, अगर आपको H5P का कोई OER चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, H5P रिसोर्सेस का
ये जो मेलॉट रिसोर्सेस है वो लोग अच्छा से एक पेज बना दिए कि जहां मैंने लिंक भेजा है अभी आपको, जो लोग H5P को ओपन लाइसेंस के साथ हमको दे रहे हैं वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा करके वो सब जो रिपोजिटरीज हैं यहाँ पे दे रहे हैं. आई एम वेरी प्राउड टू से फ्रॉम आर इंडिया कैटलॉग भी है. आई एक्सपेक्ट मोर एंड मोर पीपल क्रिएट OER एंड यू कैन डाउनलोड दिस एंड यू कैन यूज फ्रॉम एनी ऑफ दिस. और यू वॉन्ट टू यूज H5P.org में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, डाउनलोड्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉसवर्ड एक है, तो आप क्रॉसवर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप रीयूज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन जब आप व्हाट यू कॉल व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई इट और यू वांट टू यूज इट, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट टेल यू अ सिंपल एग्जाम्पल हियर. लेट मी डाउनलोड दिस फाइल, ओपन इन द Lumi. I hope you can see my Lumi. No, I have to share my screen again. Okay, I hope you can see my Lumi now. I will open that file, whichever is I just downloaded. For example, I want to see show this crossword, and I did some modifications. Then what I can say, I did some modifications to this. Then I can, in the metadata, I can add, Jobel is the company name actually, he who authored this, right? And I am the one who edited it. So I can save as an editor and Jobel as an author. How did I take this Jobel from? Yahan pe diya hai na, created by Jobel. Okay, yahan pe source hum de sakte hain, yahan maine liya hai, to ye source de rahi hun. और लाइसेंस जो है यहाँ पे जो अवेलेबल है सब पब्लिक डोमेन का है, तो मैं पब्लिक डोमेन. यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं आपके कमेंट्स, जैसे कि आपने डाउनलोड किया है फ्रॉम सो एंड सो, एंड देन यू कैन सेव द मेटा डेटा एंड देन यू कैन रीयूज इट. सिमिलरली इफ यू वांट टू डाउनलोड फ्रॉम H5P कैटलॉग और एनीवेयर एल्स फ्रॉम एनी ऑफ दिस मेलॉट ऑप्शंस, यू ऑलवेज हैव यहाँ पे डाउनलोड का बटन, रीयूज का, राइट्स ऑफ यूज का बटन रहता है. आप एक बार चेक कीजिए वो ये क्या है, फिर आप रीयूज करते हुए डाउनलोड करके यूज कीजिए. दिस इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन. ओके, यू ट्राई ऑल दीज ऑप्शंस. नाउ वेरेवर व्हेनेवर यू वांट टू डाउनलोड, यू बेटर चेक द कॉपीराइट इश्यूज एंड देन रीयूज एंड डाउनलोड. OER के बारे में, अगर आपको H5P OER चाहिए, I told you about H5P OER Hub, लेकिन ये जो OER Hub जो है अभी पूरा it's only available through either from H5P.com or through your any LMS or WordPress or a Drupal options. They are supporting only certain versions. Very soon it will come out as 100% done and it will open for the entire world. As of now, we who got these LMS and all, we are able to publish to the OER Hub and utilize the information. Or you have this Merlot H5P, I showed you where you can go and see this, all this information, and then you can download. H5P Kitchen is a very nice option from BC Campus. You can see this material also from H5P Kitchen. All this information is there in your H5P Merlot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Merlot started adding H5P content recently, since I didn't see it previously, I think. Yeah, no, ma'am, not very recent. It's been old. But what they have done is, Merlot mein, aapko Merlot mein account hai? Nahin, ma'am, I just use, just to show that from where we can get the OER things. So I just used to, show a running this thing page for that. But I never... It's actually started a few years back only. But then recently we are gearing up for this. And also we are trying to come up with, let me show you. I'm very happy also. Actually, we haven't updated it yet. I'm the senior instructional designer for the entire Merlot H5P project. And we are trying to Skills Commons or H5P ke saath kuch
इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप भी होके हम फ्री कोचिंग्स एंड ऑल देना चाहते हैं और मेडलॉट में भी एचवाईपी एडिटर डालना चाहते हैं. वेरी सून वी आर कमिंग अप विद दिस. आई थिंक माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली. Yes, ma'am. We are doing it. We are doing it. And very soon we'll announce it. And maybe we can talk in some other meeting, official meeting with Professor Mustafa. Also, he's a good friend of mine. He's from... Professor Mustafa from Bangladesh? No. I know that Mustafa sir also, by the way. Yeah. Okay. He's Mustafa Dayak. He's actually from US. He's from Senegal. But then he is from Louisiana State University. He's an EdTech professor having a 25 years of experience and who is the director for Skills Commons. Yeah. Right, ma'am, we'll take it up later. Yeah. Ma'am, a question. There is a question ma'am. In the chat box. Kya students ke system mein bhi Lumi hona chahiye? No, it is not. It's a browser, hai na? Browser based, hai na? So since it is a HTML page, web page, so we don't need it there. Yeah. Neeru Kataria, ma'am, from Himachal Pradesh, please ask your question. Hello, ma'am. Good evening. Can you hear me, please? Yes. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. एक्चुअली ये सेशन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. मुझे मेटा डाटा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है. ओके. एक्चुअली मैंने एक इसमें बनाई थी, उसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो ऐड किए तीन. अब जब मैं इन क्वेश्चंस पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे तीनों पे ही ये मेटा डाटा जो है एंटर करना पड़ रहा है. मैंने बाय मिस्टेक इसमें अलग अलग जो है यहाँ पे एंटर कर दिया है. तो ये जो कॉन्सेप्ट ही मेरी समझ से बाहर हो गया है. नो प्रॉब्लम मैम. ऐसा डाउट्स आएगा. अगर मैं भी सोच रही हूँ, एक OER का डाउट, एक मेटा डेटा का डाउट कौन पूछेंगे मुझसे करके. क्योंकि जब भी हम मेटा डेटा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंटरैक्टिव वीडियो में या कोई ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज कर रहे हैं, तो कोई भी ले लीजिए आप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप लेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा एक मेटा डेटा होगा जो मैं यहाँ एक इमेज ऐड करूंगी. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम इमेज, सॉरी, एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट. मैम कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. सो नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगी. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक नया वाला हम लेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ले रहे हैं. तो मैं यूज करने से यहाँ पे टाइटल के बाजू में जो मेटा डेटा आएगा जी, वो है एंटायर H5P का. एंटायर H5P का अगर आप कोई भी इमेज ऐड कर रहा हो, कहीं पे भी आप इमेज ऐड कर रहे हैं या वीडियो फाइल ऐड कर रहे हैं, वहां पे इधर एडिट कॉपीराइट होगा. नहीं तो वीडियो है तो एडिट कॉपीराइट होगा, अगर इमेज है तो मेटा डेटा आएगा इमेज के लिए, या क्वेश्चन के लिए भी कभी कभी मेटा डेटा आएगा. तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेटा डेटा में एंटायर मेटा डेटा के लिए आपका नाम यहाँ दे सकते हैं. लेकिन ये जो इमेज है मैंने पिक्साबे से लिया है, और जो ऑथर है मुझे वो पता करना चाहिए वो कौन है, क्या है, एंड वो लाइसेंस क्या है, पब्लिक डोमेन है पिक्साबे यानी. तो यहाँ एक्चुअली पिक्साबे से अगर पिक्चर लिया तो वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है नो नीड टू एट्रीब्यूट, बट देन इट्स आवर ड्यूटी फॉर सच अ वंडरफुल क्रिएशन, इट्स बेटर वी एट्रीब्यूट देम. वो जो पिक्साबे का लाइसेंस, जो सोर्स जो होता है URL यहाँ देना चाहिए, और जो उसका ऑथर, जो कभी कभी ओपन क्लिप आर्ट का होता है ये इमेजेस, तो मैंने यहाँ दे दिया, ऑथर एड कर दिया, तो फिर सेव मेटा डेटा कर दिया. तो यहाँ जो मेटा डेटा होगा इसका सैम्पल क्या है, वो क्या आप बना रहे हो, सैम्पल क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप. आप ऑथर कौन है, मैं ऑथर कर रही हूँ तो मैं मेरा नाम ले लिया, और ये सीसी बाई दे रही हूँ तो ये ले लिया. तो मैंने ये करूंगी एंटायर H5P एक्टिविटी के लिए. लेकिन अंदर जो आप ऐड कर रहे हैं इमेज या वीडियो, यू बेटर गिव अ मेटा डेटा फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल यू आस्क्ड फॉर अ क्वेश्चन. सी समटाइम्स वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक, ओपन बुक, जो OER में जो बुक मिल रहा है हमको CC BY में या CC BY SA में, तो तब
उसका मेटाडेटा देना चाहिए। एंड और एक बात, यहाँ अगर आपने कल आपको समझाया होगा कि जो OER के बारे में बता दिए कि अगर हम सीसी बाय ऐसे ले रहे हैं, अगर शेयर अलाइक ले रहे हैं, तो आपका एंटायर HYP कंटेंट टाइप भी सीसी बाय ऐसे होना चाहिए, क्योंकि शेयर अलाइक का लाइसेंस होना चाहिए। जी, दिस इज वन थिंग। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Now I'll request Chanchal ma'am from Rajasthan to ask her question. Hello. Hello, ma'am. Boliye ma'am. Ma'am. Sorry, ma'am. आप mute हो गए फिर से, आप please एक बार unmute कर लीजिए। Hello. Ma'am, एक example जो ma'am ने बनवाया था, तो वो अभी हमने बनाया, प्रैक्टिस किया, लेकिन उसको जब कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो वहां तो वो खुल रहा है, लेकिन उसी को ही मोबाइल में जब हम खोल के देख रहे हैं तो वो नहीं ओपन हो रहा है। तो बच्चों को तो इसकी प्रॉब्लम होगी ना, बच्चों के पास तो कंप्यूटर नहीं हो सकता या लैपटॉप नहीं हो सकता हर बच्चे के पास। हाँ, वही मैं बोली थी इसके बारे में कि कभी कभी कुछ आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं मुझे पता नहीं, कभी कभी वो अलग से बिहेव कर रहा है। ये HTML फाइल एंड्रॉइड में या सफारी iOS में, और कौन सा वर्शन का ब्राउजर भी उसमें डिपेंड हो रहा है। और रिसेंटली मैंने, आप ये बात भी समझ लीजिए कि ये ओपन सोर्स टूल है, अभी अभी उसको आप वो लोग डेवलप भी कर रहे हैं। सेबास्टियन इज द मेजर डेवलपर बिहाइंड दिस एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग टू देम, मैंने मेल भी भेजा है, वैसा हो रहा है, लेकिन सबके डिवाइस में ऐसा नहीं हो रहा है चंचल जी, कुछ ना कुछ मोबाइल्स में ये प्रॉब्लम तो आ रहा है। इसी ये मैंने प्रेजेंट करते समय भी मैंने बोला है कि वैसा आ रहा है कभी कभी, तो इसका दिक्कत तो शायद होगा, तो वो इसीलिए पहले की टेस्ट करना चाहिए। और वी हैव टू मेंशन दैट वी हैव टू ओपन इन अ टैब और लैपटॉप की उसमें, या ये दिक्कत तो है। तो मैम फिर बच्चों के लिए यदि हम कोई बनाना चाहते हैं तो वो फिर किस उस पे बनाए? हाँ, तो आप खाली उनको प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हैं, खाली उनको कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग, तो आप अभी जो अवेलेबल फ्री जो है वो एक है HYP कैटलॉग, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरा है करके, बस अभी जो ऑप्शन है मैं जो बोल रही हूँ HYP कैटलॉग है, तो वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट करके। लेकिन एक बात ये है कैटलॉग में, जैसे कि HYP.org में जैसे आप रजिस्टर करके इमीडिएटली बना सकते हैं, लेकिन कैटलॉग में हम चुन चुन के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप पब्लिश भी डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले हमको अप्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं OER के बारे में। अगर आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या कॉपीराइट दे रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। वी डोंट वांट टू यूज अ मटेरियल एंड नॉट टू एट्रीब्यूट एनीवन। तो या वो एक बात, HYP कैटलॉग में आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपका इंस्टीट्यूट का या पर्सनल का, अगर आप एक वर्डप्रेस साइट बनाना चाहते हैं तो आप बना के उसमें फ्री प्लगइन डाल के आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स मैम। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर, आई वांट टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द चैट बॉक्स। कैन वी डाउनलोड द इंटरैक्टिव वीडियोस फ्रॉम लूमी इन वीडियो फॉर्मेट ओनली? आई थिंक इट इज ऑलरेडी बाय जितेंद्र सर हु हैज रेज्ड द हैंड। So, ma'am. Yeah. So these are two questions, is it? One question about YouTube, the video. Yeah, download the interactive videos from Lumi in video format. So. Okay, sir. So, HY, जो आप वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बोला कोई भी कंटेंट आप डेवलप करते हैं तो उसके साथ रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। जैसे कि वीडियो में आप जो ऐड कर रहे हैं इंटरैक्शंस, उसको ऐड करना है तो इधर आपको स्कॉम में या HTML5 में यूज करना चाहिए। जैसे कि आप खाली वीडियो फाइल जैसा सेव नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसा वाला चाहिए, ओनली दैट वर्क्स फॉर यू, देन गो फॉर अ टूल लाइक कैमटेशिया, विच इज टेक्समिथ कैमटेशिया, और you can go for a Vimeo Pro channel
where it's like another streaming channel, especially for educational videos, and no ads will be there if you have a pro. And there you can create interactive videos where you can ask questions in between. But these kind of interactions where you can create in H5P in the video may not be, all sorts of things may not be possible there. So yahan pe agar aap bachon ke dena hai video file to HTML exporting as a HTML file, and then you can send them HTML 5 only. And one more question in the chat box is, what, because I think sir only asked, is it use of H5P file exported as COM package? Yes, sir, this is again a reporting option. Reporting engine is included. Again and again, I've been telling about this. It includes a reporting engine where if you have a site that supports its COM packages, you can use it there. Yes, ma'am. Ek question aur hai. I don't know what this question is, but I'll just read it out. I could able to save mark the word project in H5P file type. Is it okay or I need to do something else? This is from Ladakh Mohammed Mustafa Kamal. Okay. So ye hai H5P file jo hai save isiliye karte hain, jaisa project file bolte hain, jo aap fir se edit kar sakte hain. और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं HTML, वो हम स्टूडेंट्स को भेजने के लिए. फर्स्ट थिंग यू प्लीज अंडरस्टैंड, लूमी इज अ एप्लीकेशन विच वी यूज टू क्रिएट H5P कंटेंट टाइप्स. वी क्रिएट एंड वी सेव इट, एंड इफ वी हैव अ साइट दैट सपोर्ट्स H5P, वी यूज इट देयर. इफ वी डोंट हैव इट, देन वी एक्सपोर्ट इट एज HTML फाइल एंड देन शेयर इट विद आवर स्टूडेंट्स. That is the use of main user behind, main brains behind Lumi is how to use this offline. So, शायद मैं ठीक से explain किया है उसके बारे में. वो आप HTML जैसा export किए तो आप students के साथ share कर सकते हैं. H5P है तो खाली H5P application के साथ ही open होता है, लेकिन उसमें कोई results store नहीं होगा. Ma'am, there is one question which I tried to answer in the chat box itself, but I think I will bring it here now. Ma'am, in Lumi Analytics, all results are shown 33%. What we can do? So I said it is based on the answers given and the options you have selected. Yeah. But again, he said these are all different answers. So you can just... As I said, sir, again, you're also free to join that community. Lumi mein aap bhi Sebastian ko bhi bhej sakte hain sare doubts. Ye jo hai very primary stage of analytics that they used, and but we have to be very happy that at least we have some analysis that we can see in a nice colorful format. Ye jo hai, ye scoring, first we have to understand the scoring pattern of H5P, and then पेनाल्टीज करते जाता है वो. जैसे आपने देखा एक रॉन्ग से वो पेनाल्टी देता रहता है, उसका अलग सा स्कोरिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से वो दे रहा है इंफॉर्मेशन, एंड देन इट इज कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन दैट. मे बी इन फ्यूचर वी माइट गेट मोर डिटेल्ड एनालिसिस, मे बी. आपका मैडम ने जो बोला है एग्जैक्टली जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है उसके हिसाब से ही एनालिसिस होगा. So I think we are able to achieve 100% responses for the questions asked. No hand raised, nothing in the chat box now, ma'am. Ma'am, I think we will share the post-session form again. Yeah. Maybe, because I'm very happy to say in the last session, actually I should praise all the first session people. I got, I think you also might have seen, we got very good response, but then my job is, I just completed few to see how quality that is really they are maintaining and how good that were. And then I, with your permission, I want to know whether I can send a mail to them. Okay, you can upload in catalog with the OER license. So yes, you can. That can be shared with the world. That we can take it up once if I'll just discuss it with the authorities also, but generally I think it's okay, but still I'll convey you whatever. Yeah, please ma'am. Yeah. Any other questions?
So everybody keeps trying. चाहिए. I think they didn't practice. Lumi के साथ ना HYP के साथ tell me, let me explain my experience, one small experience that when I was using Camtasia, many of my friends asked me, why did you come from all the way corporate to here? And then using open source. And I was using, I myself own Articulate Storyline version 2 when I created okay. some Telugu content for NRI okay. kids. Yes, ma'am. Invested and we bought it. So from Ananda there, man. I came to open source. And Storyline is a very, very, what we call robust software to for analytics or reports or kind of interactions we can make. You name it, we can make it. But then I found like everybody cannot afford this. And then we cannot teach this skill to every teacher. I believe in it. Teacher has a vast knowledge. And he is or she is like a god to me. Like a teacher is like a god. And then we should not trouble them with the technology. Ye karo, wo karo. But then they should know a basic ones. Whatever the tool I opt for, either you call it LMS Moodle or H5P, these days, and there are some other tools that I train them. They are all like, if you can operate your social account or if you can operate your smartphones, you can operate these softwares. I take up only those kind of softwares, ma'am. So when I shifted from there to here, everybody will ask me, but then I realize, agar kuch nahi hone se thoda hona अच्छा है ना, we have to see half full glass than half empty glass. Yeah. Ma'am, I think this is to all the participants that this is our motivation. Nobody gave training to us on using mobile phones. Nobody. Yeah. But still we are able to do many things. We are teaching now through even, yeah. matlab, I really hats off to the teachers yes. who never used phones and yes. have taught for these 2 years to all the students. Yes. Coming from every state, every country, yes. I'll simply say hats off because no training was given, but now you are doing it. Yes. So you have all the knowledge. It is just that we are trying to pin it and tell you it is there. We are not teaching you anything here. Here we are only just giving you a small direction that this kind of thing exists and they are simple to be done. Yes. They are very simple. So aap log kar sakte and I think you can do much, much better than what we are telling you right now. Yes, yes. I want to see and I would love to see this. I'm sorry, I cannot pronounce your name. Sonam, send me a mark. Sonam Phonchok. Maybe if I'm not wrong. Maybe from Ladakh. Ladakh, that's wonderful. See, the technology, kahan se, Hyderabad se, Delhi, Delhi se, Ladakh bhi pahunch gaye hain. Wonderful HTML file you sent me, sir. I'm sending you back this file. You just download and see if you can put it in your Lumi in analytics. I'm sending you back the file in the chat itself. Please take it, sir. By the time I ask Vijay Gupta ji from Punjab, you can ask your question. Yeah. You've raised the hand. हाँ जी मैं थोड़ा सा ना मरलोट के बारे में पूछना था कि मेरा अकाउंट है मरलोट के अंदर और काफी उसमें बढ़िया काम है लेकिन ये जो टू क्रिएट MCQs और H5P वो मेरे को कहीं से मिला नहीं है काफी मैंने ट्राई किया लगातार हाँ ओ मरलोट में आप कंटेंट एडिटर में H5P पूछ रहे हैं ना जी विजय गुप्ता जी अभी मैंने बोला है मोनिका मैम से भी कि हम ऐड कर रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन सेंड मी अ मेल आल्सो आई विल शेयर विद प्रोफेसर एंड जरी ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ मरलोट एंड आल्सो प्रोफेसर मुस्तफा एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट वी स्टार्टेड As you know, these are all open repositories and we also need some good time and also everybody is busy in their own works. At the same time, we would love to launch it very soon, sir. I'll note down your name and I'll see in the database and definitely, especially I'll mail you, sir. I appreciate your work and as a, what you call OER practitioner or creator, I should say. That's yes. good. Thank you, sir. And what is your subject you shared in Merlot, sir? Social science, ma'am.
Social science, wonderful, sir, wonderful. And second question about Moodles. Yes, sir. बात वो जो है अपने प्लेटफॉर्म की है वो अभी हमें तक मिला नहीं है क्योंकि जो मॉडल क्लाउड वाला है देर आर सो मेनी लिमिटेशंस एंड देर आर डिमांडिंग फॉर पेइंग और अगर हम अपने सिस्टम को बनाएं उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं so, कोई दिक्कत नहीं है सर अगर आपके घर में 24/7 पावर लगा के आप एक मशीन में मॉडल डाल दीजिए और उसको यूज कीजिए अगर वो भी नहीं है मेरे पास और एक ऑप्शन भी है जैसे कि आप कहाँ से कौन से स्टेट से सर पंजाब में पंजाब से ओके अगर आपके पास बिकॉज सो मच यू नो यू दिस आल्सो यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ स्मॉल सर्वर टूल कॉल्ड रास्पबेरी पाई वी कॉल इट यू टेक अ रास्पबेरी पाई इट्स अ स्मॉल यू कैन जस्ट गूगल इट एंड देन यू इंस्टॉल मूडल लाइट LITE मूडल लाइट इन टू दैट And then you operate that small Raspberry Pi, which works with a mobile power. वो जो mobile charging के लिए use करते हैं ना sir USB. उसके साथ आराम से use होगा. आप उसको server बना दीजिए आपके class में या कोई आपके campus में जो आसपास में जैसे वो intranet जैसा काम करेगा आपको. And आराम से you can your kids can access it. I will tell you a small example here. I would like to share. And very soon I'm going to meet the teacher from Asifabad, Telangana, where what he realized is इसके गांव में स्मार्टफोन ये सब उसका दिक्कत है तो उसने क्या किया एक माइक सिस्टम अरेंज किया गांव छोटा रहता है ना ये जो स्पीकर्स जो एवरी गली में लगा लिया तो चार पांच गलियां बहुत छोटा सा गांव है तो इसने माइक पे बोलना शुरू कर दिए पूरे जो उसका पार्ट है फर्स्ट फिफ्थ क्लास इट्स अमेजिंग वर्क यू नो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे सर Like we can do it. ये मॉडल का जो आप पूछ रहे हैं yes, I am pretty sure it is very difficult. Actually, just before last year, one person who is very, very enthusiastic about teachers, ये देना है वो ना है per month 100 rupees charge करके वो teacher को free account दे दिया free यानी कि 100 rupees per month is nothing for 50 students. उसने दे दिया लेकिन वो 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 लेने वाले कोई नहीं थे उसका तो ऐसे ही पड़ा हुआ था वो क्यूबनॉक्स LMS करके है एक तो वो ऐसा ही पड़ा हुआ था कोई नहीं ले रहे हैं वो इसलिए 100 रुपीस लगाया अगर एंटायरली फ्री दे दिए तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है अगर कुछ 100 रुपीस या 50 रुपीस देने से कुछ लोग आएंगे तो अगर आपको इंटरेस्ट हो So definitely you can take it up and do it. Hey, or you can take a Raspberry Pi simply and you make it at home. And Moodle is a very powerful one. Okay, and one more question, ma'am. मेरा एक account OER Commons के ऊपर भी है. Wonderful. लेकिन उसके ऊपर हम upload तो कर सकते हैं. हाँ. लेकिन उसमें interaction करने के लिए कुछ नहीं है. हाँ, into OER Commons में नहीं है. OER Commons. Even I have an account over there. Yes, there is no interaction. But pretty soon, sir, HYP is going to rule. Don't worry. It will be part of the all OER repositories. और last question मेरा मोनिका मैम से है कि जो CIT है, वो कोई हमारे लिए कैसा कर सकती है कि हम कहीं किधर घूमते हैं कि उधर घूमते हैं, एक छोटा सा जो platform हमें Moodles के लिए हमें create कर दे. For the teachers, for the nations, के okay, ये platform आपके लिए है, आप यहाँ पर upload करिए, बनाए करें, share करें अपने I think दीक्षा उसी सपने का एक बहुत important नाम है और plus दीक्षा सभी के लिए है और निष्ठा सभी teachers के लिए है तो धीरे धीरे काम हो रहा है I think जल्दी ही आपके पास हम लोग हर चीज ले करके आते हैं हर साल इसीलिए ये training होती है कुछ चीजें पुरानी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ सो दैट जो भी हमने अपडेशन किया वो आप तक पहुंच जाए आई रियली सैल्यूट CIT NCERT एंड आल्सो आई फॉलो दीक्षा एंड निष्ठा एंड वंडरफुल प्लेटफॉर्म्स दे आर सर बट आप जैसा मैडम ने बोला है धीरे धीरे आएंगे इमेजिन यू आर द ओनली वन टीचर विद फ्यू स्टूडेंट्स सफरिंग एंड दे आर हैविंग द एंटायर India teachers and they have to provide you but we should hats off ma'am just take some keh rahe the hello sir aap haath khada kare na main sequence mein pooch rahi hu already do log wait kar rahe hain please aap haath khada kar le samimuddin ji ab aap poochiye
हाँ जी मैडम, मेरा एक्चुअली डाउनलोड हो गया है, वो दूसरे स्टोर से हुआ, काफी लेट हुआ एक्चुअल में। तो जब मैं उसको खोल रहा हूँ तो मुझे ये कहीं पर नहीं पाया, एक क्वेश्चन बनाने के बाद क्या उस पर एक ही क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन उस पर नहीं बनेगा क्या? मोनिका जी आंसर। क्योंकि मैं उसको इंस्टॉल करने में लगा रहा, मैं नहीं देख पाया उसको सर। उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन है, 40 तरह के क्वेश्चन है। अगर आप इंडिविजुअल टाइप उठाएंगे तो आप एक ही क्वेश्चन बना सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको मान लीजिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन बनाने, तो उसका सेट का ऑप्शन है। तो जब आप सेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बना सकते हैं, या फिर आप कोर्स प्रेजेंटेशन करके एक ऑप्शन है कंटेंट बनाने की, उसको भी आप चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जी 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 मैं एक्चुअली क्या कर, मैं उसको इंस्टॉल करने में ही लगा रहा, मैं देखने कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपको, आप सभी को मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, कहीं भी दिक्कत आए सिर्फ इस टाइप की जो कॉन्टेंट वाली है, h5p.org पे सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो आप उसके ऊपर जाकर के देख सकते हैं कि किस में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। Absolutely. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, सच बताऊं तो मैंने कभी h5p की ट्रेनिंग नहीं ली, बस ऐसे ही उंगली कर करके जिसे कहते हैं मैंने सीखा है। उतना ही आता होगा शायद, मेरे को ज्यादा भी नहीं आता, इसीलिए मैम हमारे साथ है। बट हाँ, मैम भी जो सिखाती है, मैं भी आप ही के साथ लगभग बैठ करके सीख रही हूँ। तो आप एक बार ट्राई कीजिए सर, कोई दिक्कत आएगी नहीं उसके बाद। अलग अलग हर क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन तो एक ही रहेगा ना उसमें। हाँ सेम क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, जैसे अपन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन उसमें डाल रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन एक बार में लेने के बाद एक ही आएगा ना, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन तो अपन ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है सर। मोहम्मद मुस्तफा कमल जी लद्दाख से, अब आप पूछिए। थैंक यू मैम। अच्छा एक्चुअली मैम, मैं साथ ही साथ हैंड्स ऑन कर रहा था, तो जहाँ तक ये मार्क्स मार्क द वर्ड्स का वो है, मैंने सब कुछ कर लिया, तो एक्सपोर्ट भी कर लिया, HTML में सेव भी किया। इसके बाद जब मैं भेजता हूँ उसको, मैंने मिसाल शेयर किया अपने किसी इसको अपने मोबाइल में किसी को व्हाट्सएप पे, वहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद जो जो भी मिसाल क्वेश्चन का जो आंसर मार्क करना होता है, वो मार्क करने के बाद नीचे चेक का ऑप्शन वहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा था, और चेक करने पे वहाँ पे जो रिस्पॉन्स या सही हो गलत हो दिखाया जा रहा था। तो मुझे यहाँ से सेटिंग करना नहीं आया, प्लीज वो की सॉर्ट आउट कर दीजिए मैम। हाँ खाली आपने वो जो बिहेवियर सेटिंग जो है जी, वहाँ पे बिहेवियरल सेटिंग में शो सॉल्यूशन है, वहां पे आप टिक कर दिए होंगे सर। अच्छा यस यस यस, तो है ना वो आप बिहेवियरल सेटिंग्स में जो है एनेबल शो सॉल्यूशन, शो एनेबल रिट्राई, वैसा किए होंगे आप। अच्छा यस मैम, बिहेवियरल वो अगर निकालेंगे तो वो शो सॉल्यूशन। ओ ओके यस, गॉट इट मैम, थैंक यू। रवि शंकर तिवारी जी, अब आप पूछिए। मैम जैसे मैम ने अभी बताया था कि अपने सिस्टम को डायरेक्ट सर्वर बना सकते हैं और उससे जो है अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, तो वो मैम एक्चुअली में उसके लिए हमको स्टैटिक आईपी चाहिए होती है, और स्टैटिक आईपी काफी एक्सपेंसिव आती है, तो क्या बिना स्टैटिक आईपी के भी कोई तरीका है कि उसको सर्वर बना लें? इससे अच्छा है सर एक्चुअली यू बाय अ नाइस सर्वर स्पेस, इट्स मोर चीपर। लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस 28 years or 25 years, 20 years back maybe. I bought 1 GB space for 40,000. When mine was the second site from Hyderabad to Hyderabad greetings करके, अभी नहीं है, जो आप online purchase easy कर रहे हैं, अगर मैं तभी किया हो तो अभी कितना बड़ा होता मैं सोचती रहती हूँ। तब मैंने launch किया है 40,000 करके 1 GB का space खरीद लिया, और ये जो online VeriSign करके हमने purchase करके उसको ऑनलाइन स्टोर लगाया ग्रीटिंग्स सेंड करने के लिए। तो अभी वहां से शुरू किया मैंने, अभी देखिए आप 40,000 अगर स्पेंड कर सकते हैं पर ईयर बोले तो कितना स्पेस आएगा। वंडरफुल वेबसाइट, यू कैन इवन होस्ट इट इन क्लाउड विथ लॉट मोर ऑप्शंस। अगर घर में आप सिस्टम को स्टैटिक आईपी लेके बनाएंगे भी तो आपको बैकअप नहीं होगा और पावर का प्रॉब्लम होगा एंड मेनी अदर इश्यूज, यू नो, सो इट्स बेटर टू हैव इट इन अ क्लाउड। ओके थैंक यू मैम। 10,000 से आपको वर्डप्रेस का साइट आ जाएगा। हाँ नहीं वो तो 3,500 रुपए से मैम शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ या या आजकल जो है, हम सोचे थे शायद कुछ हो ऐसा कि मतलब बिना स्टैटिक आईपी के भी कुछ
बन जाए. No, not an official platform, and I don't want to even support that. No, don't go that way. Don't do that. That way. We'll go in a very right direction. You should have a static IP. Okay, thank you, ma'am. So now, since we are towards the closing, already exceeded a few minutes only. Only 2-3 minutes we have exceeded. So I think we have answered most of the questions. There may be some more, but aap log practice kijiye. Ma'am ke saath ma'am ek form share karengi aaj. Wo main aap log ke saath share kar dungi. Uske andar jo bhi aap H5P bana rahe hain, wo bhi aap usme add kar sakte hain. Content based, अच्छा भी बनाइएगा. कुछ ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं हो, क्योंकि उनको वो चेक करेंगी. शी विल ऑल्सो डिवोट हर टाइम. तो प्लीज एक अच्छा रिसोर्स बनाकर ही उस पर अपलोड करिएगा. वो लिंक मैं आज आपको पोस्ट कर दूंगी शाम में. और बाकी कल हम लोग मिलेंगे फॉर द टू न्यू एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डू टूमोरो फ्रॉम अगेन 9:30 टिल 5:15 वी विल रन द सेशन एंड वी विल हैव हैंड्स ऑन ऑल्सो. तो आने वाले बाकी दिनों के लिए भी आप लोग कंप्यूटर अपना जरूर रेडी रखिएगा. And Sushumna ma'am, thank you so much patiently taking all the questions. I think this time we have gone for new questions also, like this one, the server thing and other things, com thing, which we didn't encounter in the previous part. Yeah. So that's really good. Thank you so much on my behalf, on behalf of all the participants, and on behalf of CIT for taking up this session. Interacting with us for such long time. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you all the participants for joining in for today's sessions. Please be tuned at 9:25, I'll say, so that we can start tomorrow also on time and wrap up also on time. About assignment, somebody asked, I will update you tomorrow only. I'm not saying anything about the assignments today, since I have already one assignment which ma'am is giving you. So I will not talk about the assignments today. We will discuss it tomorrow only. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Jai Hind. Bye-bye, everyone. Take care and see you soon. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks, ma'am. Thank you.